आज जो देश के हालात हैं, पूरे देश में दहशत का माहौल है। अगर आप आसाम में देखिए तो आसाम के लोगों को NRC के नाम पर दहशत में मुब्तला किया गया। अगर आप कश्मीर की तरफ देखिए तो कश्मीर में 35A और 370 के बाद के जो हालात हैं। मैं नगर अध्यक्ष लखनऊ मोहम्मद जावेद, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा नेशनल प्रोटेस्ट था। आज जो देश के हालात हैं, पूरे देश में दहशत का माहौल है। अगर आप आसाम में देखिए तो आसाम के लोगों को NRC के नाम पर दहशत में मुब्तला किया गया। अगर आप कश्मीर की तरफ देखिए तो कश्मीर में 35A और 370 के बाद के जो हालात हैं, कश्मीरी वहाँ दहशत में है। उसके बाद आप झारखंड में देखिए, UP में देखिए, बिहार में देखिए, तो मुसलमानों को मोब लॉन्चिंग के नाम से मारा जा रहा है। दूसरी तरफ आप दलितों को देखिए तो दलितों के भी हाल मुसलमानों की ही तरीके से हैं। यहाँ तक के हालत है कि अगर कोई दलित, किसी दलित की मृत्यु हो रही है तो उस दलित की अंतिम क्रिया करने के लिए अपर कास्ट के लोग अपने महल्ले से उसको जाने नहीं दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले का एक वाकया है कि अपर कास्ट के लोगों ने दलित की अंतिम क्रिया को जाने वाले लोगों को रोका, तो मजबूरन उनको पुल से नीचे लटकाकर उसकी अंतिम क्रिया की गई। और यहाँ तक कि जिस तरीके से मुसलमानों की मोब लिंचिंग की जा रही है, उसी तरीके से काफ़ी दलितों की भी मोब लिंचिंग की गई। तो ये एक दहशत का माहौल है। उसी दहशत के माहौल से निकालने के लिए मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, मजलूमों को, हमारी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ये नेशनल प्रोटेस्ट किया है कि डरने और घबराने की बात नहीं है। हम सब ने मिलकर जिस तरीके से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी, उसी तरीके से हम इस देश में सबको जोड़ के लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को, जो सबको पर जुल्म कर रही है और इसकी नीतियां मजलूमों के साथ में नहीं है, हम उखाड़ फेंकेंगे। और इसी कोशिश में ये काम हुआ है। आज सरकार तो कहती है सबसे ज़्यादा अपराध इसी सरकार ने कम किए हैं, सरकार में हुए हैं। ये सिर्फ झूठ है, ये झूठों की सरकार है और झूठ बहुत अच्छी तरीके से ये बोल लेती है। देखिए, ये विकास के नाम पर सरकार आई थी, लेकिन विकास के नाम पर इसने क्या दिया ये सारा देश जान रहा है। देखिए, ये दो करोड़ नौकरी देने आई थी, ये काला धन विदेशों से लाकर देने आई थी, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में देने आई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और सब इस सरकार के धोखे से अब बाहर आ चुके हैं और सब मिल बैठ कर इस सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश में लग गए हैं। और आने वाला इलेक्शन में इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सर, आगे की क्या, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपकी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, हमने आपसे बताया कि हम दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, मजलूमों को, यहाँ तक के अपने सिख बिरादरी के भाइयों को, सबको जोड़ करके एक अवामी तहरीक बनाएंगे और पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।